सुनिए। क्या तुम इतनी परेशान क्यों हो? एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था, वही पूछने आई हूँ। क्या पूछना है तुम्हें और क्या ढूंढ रही हो तुम? एक मिनट, कुछ करने आई हूँ, करने दीजिए। वो लोग मुझे कोर्ट ले जा रहे हैं और मैंने उस इंस्पेक्टर की बात सुनी। मुझे पता है तुमने बहुत कोशिश की, पर ये भी पता है कि होने क्या वाला है। क्या होने वाला? हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि मैंने वो दीवार गिराने के ऑर्डर्स नहीं दिए थे। नहीं, मुझे पता है वो जो कॉन्ट्रैक्टर ना, उसके बात को गवाह माना जाएगा और मुझे 6 लोगों के मौत की सजा सुनाई जाएगी। मैं जानता हूँ, हम जानते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, पर सच तो वही होता है ना जो हम साबित कर सकते हैं। मुझे कोर्ट से सीधे जेल ले जाएगा और जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। आपको जो कहना है। देखो, मैं अपना सच साबित नहीं कर सकता, मुझे कुछ साबित करना है, प्लीज मुझे कुछ बोलने दो। देखो, मैं जेल गुनाह के साथ जा सकता हूँ, बोझ के साथ नहीं। प्लीज मुझे मेरा बोझ कम करने दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके मेरे लिए। पता है, मैं तुम्हारे घर ना तुम्हें परेशान करने आया था। मैं वो सब करना चाहता था जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हारा सुख चैन सुकून सब छीन लेना चाहता था मैं, तुम्हारे घर में शांति फैलाना चाहता था मैं, पर वो हो ना पाया और मैं कुछ कुछ कर नहीं पाया। सिर्फ यही गिल्ट था या कोई और बात भी? कुछ और भी है। उस दिन तुम्हारे घर में जब बहुत सारे कॉकरोच आ गए थे, तब मैं अपने आप से सोच रहा था कि काश एक कॉकरोच आके तुमसे भी चिपक जाए, पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं सोचा, मतलब थोड़े टाइम के लिए सोचा, फिर भूल गया मैं और सब सोचा ही, बस मैंने कुछ किया नहीं। हाँ, पर मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था ना। इसके अलावा मतलब बोल दो ना कि या मेरे बारे में अच्छा सोचा और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। बोल दो कि मैं आसलीन का साफ हूँ, तुम्हारे घर में रहा और तुम्हारे बारे में बुरा सोचा मैंने। तुम्हें जो बोलना है तो बोलो यार, मेरी शक्ल नहीं देखनी है, मुझे बात नहीं करनी, तुम्हें तुम्हारे मन में जो है तुम बोल दो मुझे। पर एक बात है कि मैंने सिर्फ सोचा, कुछ गलत किया नहीं मैंने। मैं तुमसे प्यार इतना करता हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, फिर भी सोचा तो सही ना, कर नहीं पाया तो क्या हुआ, सोचना भी तो गलत होता है। तो जो सजा दोगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप नहीं चाहते मैं आपसे मिलूं? मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम जो डिसाइड करोगी ना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बस आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते? नहीं, तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगी तो मैं तुम्हारी शक्ल कैसे देखूंगा? अब जब मुझे जेल हो जाएगी, तुम्हारी शक्ल देखे बिना मैं सजा काटूंगा कैसे? चलो, कोर्ट जाने का टाइम हो गया है, बार वैन आ गई है। एक मिनट, मैं कुछ करने आई थी, आप एक बार ये देख लीजिए और मुझे बता दीजिए प्लीज, मुझे मिल ही नहीं रहा। Sorry. 2 मिनट हो गए, कोर्ट का टाइम हो गया, अभी हमें जाना है, चलिए। प्लीज ये देखिए, आपने इसे देखा है कहीं? ये फोटोकॉपी से कुछ क्लियर दिख नहीं रहा, पर ये था उस दिन। चलिए, अब लड़ाई बराबर की होगी। विद्या जी। दीदी। हाँ, बस आपके साइन के हुए पेपर ही रजिस्टर कराने जा रहा था मैं। अब बताइए, लेकिन अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? कौन संभालेगा आपको? अभी के जेल जाने के बाद कोई तो होना चाहिए ना, आपका साथी, आपका हमदर्द, आपका अपना। गौरव, मैं चाहती हूँ कि आज की हियरिंग के लिए तुम कोर्ट में आओ, मुझे लगता है तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये हियरिंग, इट्स गोइंग टू बी फन। तुम्हें पता ना कोर्ट में क्या बोलना है? हाँ पता है, लेकिन आपने जो प्रॉमिस किया था वो 10 लाख नहीं मिले। वो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर ही रहा था। तुम कोर्ट पहुँचो और ध्यान रहे जैसा कहा था कोर्ट में वैसा ही बोलना, वरना अंजाम तुम जानते हो। जुबान दिए, भरोसा रखिए। ओके। प्रज्ञा की आवाज में इतना कॉन्फिडेंस क्यों था? ड्राइवर, कोर्ट ले लो।
आज कोर्ट रूम में तुम्हारा फैसला मैं करूंगी गौरव थापर। तुम बिजनेस वुमन प्रज्ञा को चैलेंज करते तो बात तो और थी, लेकिन इस बार तुम्हारा पाला प्रज्ञा अभिषेक मेहरा से पड़ा है। ये गलती तुम्हें महंगी पड़ेगी। इन लोगों ने उन मासूम लोगों की जान को दांव पे लगाया माय लॉर्ड। सर ये झूठ है सर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूटर केस को नया एंगल देकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट की वाइफ ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। इनकी वाइफ प्रज्ञा अभी आती ही होंगी। अदालत इनकी वाइफ का इंतजार नहीं करेगी क्योंकि आरोपी मिस्टर अभिषेक मेहरा है, ना कि उनकी वाइफ। मिस्टर शर्मा, आपको अपने क्लाइंट के बचाव में कुछ कहना है? सर मुझे कहना है। सर वो वहां जो आदमी बैठा है ना, उसका इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सर। जो कुछ भी हो रहा है सब उसकी वजह से हो रहा है। मिस्टर मेहरा, मुझे लगता है कि आपकी हिंदी काफी कमजोर है। अभी अभी जज साहब ने कहा कि आरोपी आप हैं। कोर्ट क्वेश्चन सिर्फ आप ही से करेंगी, ना कि आपकी पत्नी और ना ही बैठा वो आदमी। केस को भटकाना इसे कहते हैं शर्मा जी। अपने क्लाइंट से कहें अदालत को गुमराह करना बंद करें। अगर आपको अपने बचाव के बारे में कुछ कहना है तो कहिए, वरना अदालत को अपना काम करने दें। इट्स ए ओपन एंड शट केस। अभिषेक मेहरा ने कॉन्ट्रैक्टर को जो ऑर्डर दिए उसकी वजह से 6 निर्दोष लोगों की जान चली गई, लिहाजा अदालत इन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी मानती है और अदालत चाहती है कि इससे लोगों को सबक मिले जो लालच में आकर ऐसे गुनाह कर देते हैं। गौरव, तुम कोर्ट को वो सबूत कहीं देते थे जो तुम्हारे पास है? सबूत तो देना था लेकिन मेरा मन बदल गया, नहीं दिया सबूत। प्रज्ञा भी नहीं है यहाँ पे, बिना सबूत के अपने पति को क्या मुंह दिखाएगी? हो तुम्हारे भाई को मुजरिम होने की सजा नहीं मिल रही है, तुम्हारे भाई को सजा मिल रही है प्रज्ञा के पति होने की। सब थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ी देर में जज अपना वर्डिक्ट सुनाएंगे कि अभी को फांसी की सजा होगी या उम्र कैद। यहाँ जज अपना पेन तोड़ेंगे और वहां अभी जेल में पत्थर तोड़ेगा। वैसे जो कुछ भी हो कल के न्यूज़पेपर में आई जा रहा है। मैं चलता हूँ। स्टेट वर्सेस अभिषेक मेहरा के केस में अदालत अभिषेक मेहरा को दोषी करार देते हुए मेरे पति निर्दोष हैं। I'm so sorry, Your Honor, मुझे यहाँ आने में वक्त लग गया। एक्चुअली मैं सबूत इकट्ठा कर रही थी इसलिए देर हो गई। क्या सबूत है वो? वही सबूत जिससे साबित हो जाएगा कि मेरे पति निर्दोष है। आप विटनेस बॉक्स में आइए। ओके मैडम, तो सबसे पहले मैं आपको ये वार्निंग दे दूं, अगर आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की या फिर कोई नई कहानी बताकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की तो याद रखिए आपको भी सजा हो सकती है। सजा होगी लेकिन उसे नहीं जो निर्दोष है, उसे होगी जो गुनहगार है। ठीक है, आपका नाम और आपकी पहचान कोर्ट को बताइए। मेरा नाम प्रज्ञा अभिषेक मेहरा है, मैं इनकी पत्नी। सबूत तो देना था लेकिन मेरा मन बदल गया, नहीं दिया सबूत। प्रज्ञा भी नहीं है यहाँ पे, बिना सबूत के अपने पति को क्या मुंह दिखाएगी? हो कहाँ जा रही हूँ? गौरव से मिलने। वो हमें ऐसे धोखा नहीं दे सकता, मैं उसे यहाँ कोर्ट में वापस लेकर आती हूँ। तो आपका कहना है कि आपके पास आपके पति की बेगुनाही का सबूत है? सबूत दिखाने से पहले मैं सुभाष जैन के काजिम संतोष जैन को कोर्ट में बुलाना चाहती हूँ। भाई आप घर आ गए, कोर्ट ने आपको छोड़ दिया। थैंक गॉड अभी तुम घर आ गए। मैं अभी आलिया से वही बात कर रही थी कि मेरी प्रेयर्स काम आ गई एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू। अभी भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई मत बोलो। अभी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या मतलब तुम्हारा, तुमने जो किया उसके बाद ये तो कुछ नहीं है, तुम्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि। हमने क्या किया है भाई?
तुम निकलो यहां से। आउट। अभी क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? प्रज्ञा ने क्या सिखा के भेजा है तुम्हें? अभी प्रज्ञा का नाम मतलब अपनी गंदी जुबान से। तुम्हारी जुबान ही नहीं, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिल, दिमाग, आत्मा सब गंदा है। भाई पर हुआ क्या है? किसने कुछ कहा है आपसे? हम तो आपको लेकर ही परेशान थे, आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, और कुछ नहीं बोला तुमने? नहीं, मैंने सब सुन लिया, तुम्हारी सारी बातें। कैसे 2 साल पहले तुम दोनों ने प्रज्ञा को मारने का प्लान बनाया, कैसे तुम दोनों ने उसके गाड़ी का ब्रेक फेल किया, कैसे उसे मारने के लिए मेरा नाम यूज किया। तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है ताकि तुम यहां आ ही ना पाओ। अब तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो सिर्फ मरा हुआ। अब जाकर पता चला कि जिंदा होने के 2 साल बाद तक प्रज्ञा मुझसे मिलने की नहीं, और मिलने के बाद भी वो मुझसे नफरत क्यों करती रही। ये तुम दोनों का बोया हुआ बीज था ना, जो 2 साल में इतना कांटेदार हो गया कि मुझे और प्रज्ञा को एक होने नहीं दिया, और मुझसे ज्यादा जाकर प्रज्ञा को छुपाए ना। लेकिन अब तो सबके सामने आ गया कि प्यार और सच को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। वो इस तरह बेइंतहा प्यार करती है ना मुझसे कि मुझे बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ, अपना हर कमाई उस गौरव के नाम कर दिया। वो भी तब जब उसे लगता था कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। उसे तुम दोनों का सच नहीं पता ना, लेकिन मैंने तो सब सुन लिया। अब तुम्हें तो मैं क्या ही बोलूं यार, पर तुम मेरी बहन होकर मेरे लाइफ के साथ खेल रही तुम, और वहां प्रज्ञा मुझे नफरत करने के बावजूद ना मुझे संभाल रही थी। वो तुमने गौरव के साथ मिलकर मुझे फंसाने का एक जाल बिछाया, और प्रज्ञा मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। गौरव के साथ मिलकर तुमने मेरा सौदा कर दिया हाँ, और वहां पर प्रज्ञा ने मुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ गौरव को दे दिया। उसी की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ, वो भी जिंदा। कोई सौदा नहीं किया मैंने गौरव से, मुझे आपकी फिक्र थी। तुम्हारी फिक्र से अच्छा ना वो गौरव की दुश्मनी, कम से कम वो दुश्मनी निभा रहा था ना। तुम तो मुझे बर्बाद करने पर तुली थी यार। नहीं भाई, पहले तो मुझे लगा तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम प्रज्ञा से उसका टेंडर छीनना चाहती हो, लेकिन अब जाकर पता चला कि तुम प्रज्ञा से उसका सब कुछ छीनना चाहती थी। उसे मारने की कोशिश की पर वो बच गई, उसे मुझसे अलग करने की कोशिश की लेकिन हम मिले, और जब हम मिले तो सोचा कि हमें बर्बाद कर देते, इसलिए गौरव ने उससे उसका बिजनेस हड़पने का प्लान बनाया, जिसे अंजाम देने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं। पता है गौरव तो दुश्मनी निभा रहा था ना, लेकिन तुम तो और खतरनाक निकली यार। तुमने मेरे ही गले में फांसी का बंधन डाला। तुम पैदा ही क्यों हुई यार? और अगर पैदा हुई ना तो मेरी बहन क्यों बनी तुम? हम दोनों का खून एक नहीं हो सकता। पता है ना मैंने तुम्हें इस घर में ही रहने क्यों दिया? पता है कि नहीं तुम्हें? क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम प्रज्ञा की इज्जत करोगी। रिस्पेक्ट करोगी भाई? अब मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मैं हमारे भाई बहन के रिश्ते को और गिरता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम अपने सगे भाई की सगी नहीं हो पाई तो प्रज्ञा की क्या होगी? मैं भी आलिया को यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो चुप ही बैठो यार, कुछ बोलो ही मत बीच में, ठीक है? अब निकलो दोनों यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं बीवी देखो तुम... मुझे और बकवास नहीं सुनना, बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ, मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं बोलो तुमने ऐसे नहीं मानोगे ना, निकलो यहाँ से। अभी हमने उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए थे, हमने इतने डाउट क्रिएट किए उसके दिमाग में कि उसे लगे कि उसे मारने वाला और कोई नहीं, खुद अभी है। हमने उसे ऑलमोस्ट मार दिया था, हम तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे गौरव। भाई आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। भाई आप सोचिए, अब जाएंगे कहाँ? चलो निकलो ऐसे। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। तुम भाई मैं निकलो यहाँ से। हम जाएंगे कहाँ? मेरे घर के आसपास आने की कोशिश भी मत करना। अभी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। करने के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मारकर जेल नहीं जाना चाहता मैं। तुम्हें मार दिया ना तो प्रज्ञा की कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी। इसे जिंदा देखना चाहती हो ना तो ले जाओ इसे यहाँ से, आउट। अभी कितने एहसान फरामोश हो ना तुम, बचाया तो मैंने भी तुम्हें था, मोलेस्टेशन केस से मैंने तुम्हें बाहर निकाला था। तुमने मुझे बचाया था ताकि तुम मुझे जाल में फंसा सको, बचाया था ना मुझे ताकि मुझे शादी कर सको। कैम था वो, फर्जी शादी थी। मुझे आलिया ने बताया कि तुमने कभी डिवोर्स ही नहीं दिया था प्रज्ञा को। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है शादी डिवोर्स से? तुम ये सबके बहुत ऊपर हो तन हो। तुम्हें जिसकी जगह लेनी होती है ना उसे तुम रास्ते से हटा देते हो। प्रज्ञा को मारने की कोशिश की ना, लेकिन उसके प्यार ने उसे बचाया, देरी से लेकिन लौट आई ना मेरी जिंदगी में वो। मैंने भी यही समझाया था इसे
कि ये जो कर रही है ना गलत कर रही है। और अपने बारे में नहीं बताओगी आलिया? सबसे बड़ा धोखा तो तुमने दिया था, वो आलिया ही थी जिसने मुझे प्रज्ञा की जगह मंडप में बिठाया था। आलिया हमेशा से मेरे साथ थी, आलिया मुझे तुम्हारे घर में लेके आई थी और प्रज्ञा की जगह मुझे लेने के लिए कहा था। सारी गलती आलिया करती है और ब्लेम मुझ पे आता है। अभी मेरी तो सिर्फ इतनी गलती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। अभी अपनी सफाई में जितना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना तुम दोनों, उतनी घृणा आ रही है मुझे तुम दोनों पर और उतनी शर्म आ रही है खुद पर कि मेरा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता भी था। और किसे समझा रहा हूँ मैं कि ये रिश्तों का मतलब पता भी है तुम लोगों को? रिश्ता अपने आप में ना, अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड होता है, उसके ना आगे कुछ लगाने की जरूरत पड़ती है ना पीछे। जैसे किसी से सगा रिश्ता, खून का रिश्ता, कुमकुम का रिश्ता। और ये रिश्ते जो होते हैं ना वो बनाने से नहीं जुड़ते, वो निभाने से जुड़ते हैं। ठीक है, प्रज्ञा के दिल में मेरे लिए नफरत होने के बावजूद ना उसने अपना हर वो रिश्ता निभाया, और तुम दोनों ने ना दोस्ती का रिश्ता निभाया है ना बहन होने का, बस दुश्मनी का रिश्ता निभाया तुम दोनों ने। और जितनी शिद्दत से तुम दोनों ने दुश्मनी का रिश्ता निभाया प्रज्ञा से, उसे तोड़ने वाला मैं कौन होता? प्रज्ञा का दुश्मन, मेरा दुश्मन। और ये जो है ना, कोई हक नहीं है तुम्हें ये सब पहनने का। इसे पहनने का हक उसके पास है जिसका मुझ पर हक हो। मेरी लाइफ में आई ना तुम ताकि प्रज्ञा को मुझसे अलग कर सको। प्रज्ञा को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, ना तुम, ना तुम, ना कोई और। हटो सामने से। भाई, भाई, आप कहाँ जाएंगे? दरवाजा खोलिए भाई। प्रज्ञा, तुम अभी तक गई नहीं, यहाँ पर? उन्होंने फुगी कहा मुझे। फुगी? हाँ, पहले इसी नाम से बुलाते थे। वो कहते थे उससे मैं मेरी गाल फूल जाते ना तो मैं फुगी जैसे लगती हूँ, इसलिए सालों बाद उन्होंने उस नाम से बुला। अब सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पहले जैसे हम एक साथ रहेंगे। मुझे लगता था मैं बदल गई हूँ, लेकिन आज मैं आंटी, मुझे मुझे मेरी पहचान वापस मिल गई। जो खो दिया था वापस मिल गया, इनका प्यार। बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुमने अपने आप को पा लिया, अपने प्यार को, अपने परिवार को पा लिया। सो हैप्पी फॉर यू बेटा, सो हैप्पी। मुझे ना घर जाना है, एक्चुअली वो किसी काम से बाहर गए हैं, वापस घर आएंगे ना तो मुझे उनके आने से पहले बहुत काम है। मुझे ये दिन स्पेशल बनाना है उनके लिए। जल्दी में ना। हे भगवान, इसकी खुशी ऐसे बनाए रखना, इसे इतना खुश मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हे भगवान जी, इसे मेरी उम्र भी लग जाए। हेलो प्राची, प्राचीका तुझे एक ही घर में प्राची नहीं दिखती। अरे यार तू सरकास्टिक हो रहा, पहले बताना तुम्हें देखी क्या कहीं पे? एक काम कर, वॉकी टॉकी ले, एक उसको दे, एक खुद रख, जब भी याद आना प्राची को कॉल करके बुला लेकर। क्या सही मजाक किया तूने, आइडिया दे रहा था, पसंद नहीं है? चल एक और देता हूँ, एक लंबी सी रस्सी ले, उसका एक सिरा बांध प्राची की कमर, एक सिरा बांध अपनी कमर, जब भी याद आए रस्सी खींचो और प्राची चली आएगी। रस्सी की जरूरत पड़ती होगी तेरे को, मेरे और प्राची के बीच में ऐसे प्यार की डोर है, जब मैं चाहूँ तब प्राची को खींच के बुला सकता हूँ। दिखा दिखाओ, चल ठीक है, देख ये प्यार की डोर और ये प्राची आने वाली है, बस थोड़ी ही देर में। आई नहीं, आ रही आ रही, बहुत दूर से आ रही ना, तो खिंच के आ रही आ रही आ रही। She's coming. आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। She's coming. आ गई आ गई आ गई आ गई। मैं आ गई। हाँ देखा, कहाँ थी? तुम्हारे दिल में। किचन में थी, तुम्हारे लिए दही शक्कर बना रही, इसे खाओ मुंह मीठा करो, ये ना अच्छा शगुन होता है, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। प्राची तुम ना हमेशा ऐसे बाजी पलट देती हो, मैंने तुम्हें कैसे कड़वा काढ़ा पिलाया ना और तुम मुझे ऐसे मीठा मीठा दही खिला रही हो। जो जैसा होता है ना वैसे ही खिला। तुम कहना चाहती हो कि मैं कड़वा हूँ और तुम स्वीट हो? ऑफ कोर्स, कोई शक है? हाँ शक तो है, पर इसमें मीठा थोड़ा कम है। एक काम करो तुम ना, चम्मच की जगह मुझे अपनी उंगली से खिला दो, तुम मीठा ना बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा।
मुझे लगी नहीं मैंने जोर से मारा ही नहीं. एक्चुअली हुआ क्या ना, तुम ना वीक हो, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना एक दिन, इसलिए अभी तुम बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो. बट डोंट वरी, गेट वेल सून. तुम कल तक ठीक हो जाना, क्योंकि आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है मेरा. आज अगर सब कुछ ठीक हो जाए ना, तो मेरा 2 साल का जो सपना था ना, वो सब आज पूरा हो जाएगा. ऑफ कोर्स हो जाएगा, तुम्हारी मेहनत है उसमें. सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, तुम्हारी दुआएं भी. थैंक यू तुम्हारी दुआओं के लिए और इस दही के लिए. गाइस, तुम एक दूसरे को देखते हो तो सब भूल जाते हो. मैं यही खड़ा हूँ. अच्छा सॉरी सॉरी, चले चल, तू वैसे लेट हो रहा. चल एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड. अभी मैं अकेला जा रहा हूँ, लेकिन कल मैं तुम अपने साथ लेके जाऊंगा हर दिन. और अगर किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कुछ भी पूछा मुझसे, मैं उनको यही बोलूंगा तुम मेरी लकी चाह. एक काम कर, प्राची की अंगूठी बना और पहन ले. मैं इसका क्या करूँ यार, मैं ना तेरी अंगूठी बना के फेंक दूंगा एक दिन. अब चल चल, बाय. आई लव यू. आई लव यू टू. को नहीं छोड़ूंगा, सब खेल खेल रहे हैं मेरे संग, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रही ना, और कब तक नहीं उठाएगी. गौरव, पहले फोन नहीं कर रहा था, अब फोन पे फोन किया जा रहा है. क्या चाहिए इसे, क्या है? हाँ, पहले फोन नहीं उठा रहे, फोन काट रहे आप, फोन पे फोन किए जा रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? बात बंद करो. तुम मुझे बार बार इसीलिए फोन कर रही थी कि मैंने प्रज्ञा से पैसे तो ले लिए, लेकिन तुम्हारे भाई का सबूत नहीं दिया. तुम्हें इस बात का गुस्सा था कि मेरी वजह से तुम्हारा भाई अभी भी जेल में. हाँ तो गुस्सा आएगा ना, तुमने मुझे धोखा दिया है. बकवास बंद करो तुम अपनी. तुम्हें अच्छे से पता था कि तुम्हारा भाई जेल से छूट गया है. तो मुझे बताने की बजाय तुम मेरे संग खेल खेल रही हो. और कह रही हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया. तब मुझे नहीं पता था, अब पता चल गया कि दलीजा. और तुम क्यों पता चला रहे हो? बुरे के साथ ना बुरा ही होता, तुम्हारे साथ वही हुआ. तो इस हिसाब से तो तुम्हारे संग मुझसे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए. अब देखना, अभी घर आएगा और सबसे पहले तुम्हें घर से बाहर निकालेगा. फिर देखते तुम क्या करती हो. तुम जैसी बहन ना तो मैंने रामायण और महाभारत में भी नहीं देखी. जस्ट शट अप. क्या बोलने के लिए तुम मुझे फोन किया है? हा? और तुम्हें क्या है भाई, छूट गए हैं? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं ना, तो उस प्रॉफिट से पैसे कमाओ और ऐश करो. मुझे मत कॉल करो. मुझे कोई प्रॉफिट? फोन काट दिया मुझे. पागल हो गया ये, दोबारा से कॉल कर रहा है. स्विच ऑफ. मुझसे बच के नहीं जा पाओगी तुम. आज के आज सबका हिसाब चुकता करूंगा मैं. भाई के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं. मैंने हमेशा भाई का अच्छा ही चाहा है. भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसकी जिम्मेदार खुद भाई है. गौरव भाई से बदला लेना चाहता था, क्योंकि भाई ने उसे मारा. भाई उसे मारने गए क्योंकि गौरव ने तुम्हें धोखा दिया है. लेकिन गौरव ने जो कुछ भी कहा, गुस्से में कहा, इससे पूछो, इसने की उसकी बातों को इनकरेज की. मैंने इनकरेज नहीं किया, तुमने बात की करो उससे. मैंने नहीं किया इनकरेज. चुप करो दोनों. वो कहाँ गए गौरव से मिलने? आलिया कहाँ गए? वो भाई को उससे बात करते हुए सुना किसी होटल होटल रेड. आर यू श्योर? मैं किसी गलत जगह जाके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती अपना. मैंने यही कहते हुए सुना था रेड सोन ब्राइट. हाँ ये ठीक कह रही है, रेड सोन ब्राइट होटल. बहुत दिनों से खुद को रोक रखा था, सो आज कर दिया. रूम नंबर 505. सर आपको किससे मिलना है? गौरव थापर. वेट लेट मी चेक. हेलो, पहुंचे उतरे होटल में. आ
हेलो सर, आने दो सर। ओके सर। गौरव भाई से बदला लेना चाहता था क्योंकि भाई ने उसे मारा, भाई उसे मारने गए क्योंकि गौरव ने तुम्हें धोखा दिया है। अगर तुमने वहां पर कॉन्ट्रैक्टर को मनाया है ना, तो मैंने यहाँ पर प्रज्ञा को मनाया। मैंने उसे समझाया कि वो तुम्हें अपना पैसा, अपना बिजनेस सब सौंप दे ताकि ताकि भाई इनोसेंट साबित हो जाए। अगर मैं नहीं समझाती ना, तो प्रज्ञा तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देती। फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्यों चले गए? ऐसे बात तो करनी चाहिए थी मुझसे। प्लीज फोन तो उठाए। तुम घर पहुंच गई? आप घर क्यों नहीं पहुंचे? आप होटल तो नहीं पहुंच गए? प्लीज आप जहाँ भी है वहां से वापस आइए। आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप गौरव के पास जा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने अपनी सारी दौलत, अपना सारा पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ उस गौरव के नाम कर दिया सिर्फ मुझे बचाने के लिए? सिर्फ? हाँ सिर्फ। जो मेरे लिए जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है वो आपके लिए सिर्फ है। आपकी जान मेरे लिए दो जहान के बराबर है और जब वो सेफ है आपको क्यों खतरे में डाल रहे? कुछ नहीं होगा मुझे, लेकिन अगर मैंने उस गौरव को तुम्हें धोखा देने की सजा नहीं दी ना, तो मुझे जरूर कुछ हो जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे? उसने मेरे साथ जो किया ना, उसके लिए मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए उसे माफ नहीं कर सकता मैं। मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं देना है तो ना दे। पर वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, तुम्हें सड़क पर लेना चाहता था, उसे तो मैं। आप प्लीज शांत हो जाइए। मेरा गुस्सा तब शांत होगा जब वो मेरे सामने आएगा। आप कुछ नहीं करेंगे प्लीज? अगर वो तुमसे माफी मांग लेता है ना, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसे माफी मांगने से मना कर दिया ना, तो मुझे कुछ भी करने से मना नहीं करूंगी। फिर उसके बाद जो होगा ना, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। मुझसे हिसाब चुकता करना चाहता है ना वो। आज अगला पिछला सब कुछ सबको चुपका करूंगा उसके साथ। प्लीज मेरी बात मानिए, वहाँ मत जाइए, वो आपको मारने का प्लान बना रहा है। प्लान तो पहले दिन से बनाया, पर कभी कुछ करता है नहीं ना। पहले डर के मारे बोलता नहीं था, फ्रस्ट्रेशन में बोले जा रहे हैं। वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो करूंगा ना मैं करूँगा। ये सब करना क्यों जरूरी? इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हो रहा है, आप बिगाड़ना चाहते हैं सब कुछ। ये जरूरी है प्रज्ञा, तुम परेशान मत होना। क्यों जरूरी? क्या लेना देना है उससे? अब हमारा कुछ खराब नहीं हुआ है, आपको पता है मेरा, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरी बिजनेसेस सब अभी हमारे ही पास है। सुषमा आंटी ने इन वक्त पे सब कुछ संभाल लिया। आप मेरी जिंदगी में लौट आए हैं, जो मैंने कमाया वो मैंने खोया नहीं है। फिर क्यों करना है ये सब? बात पैसों की नहीं, बात जबान की। मैंने उसे कहा था मेरी बीवी को परेशान मत करा, मैं तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। आपको मेरी कस हेलो जी? ना बेटा ना। कुछ नहीं होगा प्रज्ञा को, कुछ नहीं होगा। जानती हो ना प्रज्ञा कितनी स्ट्रांग है ना? मैंने उसे मौत को हराकर जिंदगी जीते हुए देखा है। इस बार भी वो ये लड़ाई लड़ेगी और वापस आ जाएगी। कुछ नहीं होगा प्रज्ञा की बेटी हो ना, तो तुम्हें भी स्ट्रांग होना होगा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस सिचुएशन से लड़ने के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर, वो कैसी है वो? क्या क्या हुआ? क्या बात है डॉक्टर, बताइए कैसी है प्रज्ञा, अभी कैसे है वो दोनों? वो ऑक्सीजन मास्क हट जाने से पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो गई। और क्या वो दोनों ठीक है ना? आप कुछ बोल के नहीं रहे डॉक्टर, जवाब दीजिए, वो दोनों ठीक है ना? देखिए ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो दोनों कोमा में आ गए हैं। ऐसे कैसे कोमा में चले गए? आप लोग क्या कर रहे थे? मैं फिर से अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। ये भगवान ये क्या? प्राची देखिए, जब तक हम आते तब तक देर हो चुकी थी, पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिली। और क्या कहा थे आप लोग? आप लोग उन लोगों के साथ क्यों नहीं थे? क्यों नहीं मेरी बेटी को ऑक्सीजन दी थी आप लोगों ने? ये सब ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुआ, आप लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आई विल शो यू गाइस, मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। मेरी बेटी नहीं, बेटे भगवान नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती।
अगर मैं कमजोर पड़ गई ना तो मेरी मेरी बेटी को कौन संभालेगा? मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं अपनी बेटी का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगी, उसे लंदन लेकर जाऊंगी, एक अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाऊंगी। मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी उसे। कुछ नहीं होगा ना मेरी बेटी को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। अगली बार जब तुम बाहर आना तो अपने मॉम डैड के बारे में सोचो। आप तो मैं जानते तक नहीं, फिर भी इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचा लिया। जानता हूँ मैं तुम्हें। डैड जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, इसलिए अपने पहले तुम अपने डैड के बारे में सोचो। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए पापा, कीजिए पापा, कीजिए पापा। आपने मुझसे कहा था ना कि मैं आपको पापा बुला सकती हूँ। कभी कभी पेशेंट कोमा में होकर भी सुन सकते हैं, तो प्लीज उनके सामने मत रोइए, उन्हें बुरा लगेगा, सैड फील करेंगे वो। साल में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो सर ये है मेरा स्टार्टअप। जैसा कि मैंने कहा था, इनके स्टार्टअप्स यूनिक हैं। इट इज अ ग्रेट आइडिया। रणवीर आपको पता भी है कि आपका ये स्टार्टअप कितना बड़ा होने वाला है सर। एक्चुअली ये बस एक स्टार्टअप नहीं है, ये मेरे कई सालों की जो है मेहनत और लगन का नतीजा है। जैसे आपको ये स्टार्टअप अच्छा लगा, वैसे कई और लोग भी ऐसे हैं जिनको मैंने स्टार्टअप के बारे में बताया, उनको दिखाया और उन सबको बहुत अच्छा लगा। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि वो लोग ना इस स्टार्टअप को अपना बनाना चाहते थे, और आप तो जानते हैं स्टार्टअप कैसा होता है। स्टार्टअप एक छोटे बच्चे जैसा होता है जो आपको खुद का होता है, तो आपको सिर्फ वो बच्चा पैदा नहीं करना होता, आपको वो बच्चा बड़ा करना होता है, उसको पालना पोसना होता है। और ये जो है स्टार्टअप, ये मेरा बच्चा है, मैं इसमें पूरी मेहनत करना चाहता हूँ। आई नो अभी ये छोटा सा आइडिया है, लेकिन अगर आप सबका साथ रहा तो ये बहुत जल्द बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया बन सकता है। पर हमें ये पसंद नहीं आया, क्योंकि हमें ये बहुत पसंद आया है। We love it. Thank you so much. And Mr. Ranbir, we are very sorry. हमने आपको इतना जल्दी बुला लिया और आपको बिना पूछे मीडिया को भी बुला लिया। I hope you don't mind it. Many, not at all, sir. It's okay. And Mr. Ranbir, we are doing this project with you. Thank you so much, sir. Thank you. All the best. Thank you, sir. लेकिन पूजी, आपको डैड के बारे में पता कैसे चला? बस्ती का एक आदमी यहाँ काम करता है, उसी ने मुझे फोन करके बताया। मैं चाहती, हाँ अभी और प्रज्ञा आईसीयू में है ना? वो नहीं नहीं, खून का इल्जाम गौरव पर ही लगा है। तुम मुझे तो होटल फिंटन में मिलो, 505। हाँ तुम्हें तुम्हारे पैसे वहीं मिल जाएंगे।
भैया। सबसे पहले मुझे ही फोन लगाएगा। इसका फोन भी अभी बंद होना था। रांची को फोन मिला था। सेठ, हाँ सेठ। हेलो प्राची, मैंने एक लेडी को फोन पे बात करते सुना। वो कह रही थी कि अभी वो प्रज्ञा आईसीयू में है और सारा ब्लेम गौरव पे लगा है। उसकी बातों से लग रहा था वो किसी को न्यूज नहीं इन्फॉर्मेशन दे रही है। आई एम टेलिंग यू, ये सब कुछ ना इस लेडी ने ही किया। और अभी वो उन लोगों से मिलने वाली जिन्होंने सब अटैक कराया तुम्हारे मॉम डैड पे। कहाँ मिलेगी वो? होटल क्लिंटन, रूम नंबर 505। और ये उनको मिलके पैसे देने वाली सारे। व्हाट नाउ, अब क्या करना है? उसे पकड़ना है। मेरी माँ बाप को मारने की कोशिश की है, आज उसकी वजह से माँ और पापा कोमा में है। वो जो भी है, जहाँ भी है ना सिर्फ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। ठीक है, मैं वही मिलता हूँ। हेलो, क्या हुआ? मुझे सिद्धार्थ प्राची को फोन किया और उसने सब कुछ बता दिया जैसा कि हम चाहते थे। आई एम वेरी श्योर कि प्राची भी उस आदमी के पीछे गई होगी जैसा हमने प्लान किया। सिद्धार्थ तो है ही उसका पूछ। आई एम 110% श्योर कि वो भी प्राची के पीछे होटल ही गया होगा। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम भी रणबीर को लेकर होटल आ जाओ, आधे घंटे में तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने वाली है। हाँ मुझे जल्दी से आना, बी देयर ऑन टाइम। हाँ हाँ, गॉड। क्या हुआ? वो सिद्धार्थ का कॉल आ रहा है पीछे से। मुझे, मैं करती हूँ आपसे बात। ओके ओके। हेलो रिया, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारा फोन क्यों बंद था तुम्हारा? हेलो, हाँ वो मेरे मॉम डैड, वो मुझे मैं तुमसे ना घर पे पहुँच के बात करती हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कैन आई सेंड द मीडिया इनसाइड? वो अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं। सो जैसा आपको ठीक लगे बुला लो। ओके सर, बुलाता हूँ। रणबीर का फोन क्यों नहीं लग रहा? नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। भैया तेज चलाइए ना प्लीज, जल्दी पहुँचना है। प्लीज हैव अ सीट। रांची खुशी से पागल हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि हमारा सपना पूरा हो गया। प्लीज। The number you are trying to call is currently not reachable. Ranveer, come, please sit here. Yeah, yeah. Are you please? Of course, sir. My pleasure. Thank you, everyone. Thanks for coming. अब आप सब एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर, तो अभी आप एक नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं। मिस्टर कोहली का स्टार्टअप आइडियाज को देखने के बाद हम अपने आप को रोक नहीं पाए। इट्स ऑसम। ये रणबीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? गॉड, बूजी का फोन? हाँ बूजी, मैं रूम में जा रही हूँ। पर बूजी, मैं अभी तक रणबीर तक पहुँची नहीं हूँ और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। सारा प्लान रणबीर पर डिपेंडेंट है, तुम कैसे भी उसे यहाँ लेकर आओ। हाँ ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, बाय। क्या करूँ मैं? तुम करते रहो प्राची पे अंधा विश्वास और वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे भरोसे को तोड़ती रहेगी। मैंने अभी प्राची और सिद्धार्थ को होटल क्लिंटन के एक रूम में जाते देखा है। इधर आइए प्लीज। आप ये दरवाजा खोलेंगे प्लीज? मेरा वॉलेट रह गया अंदर। अरे मेरा वॉलेट रह गया अंदर, आप ही दरवाजा खोलिए। खोलिए।
मैंने कहा था अब हो गया यकीन। प्राची शर्मी, मेरे चावा तुम आ गए, मैं कब से चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। कोई कहानी मत बताना क्योंकि तुम्हारी सारी कहानियों का ना पर्दाफाश मेरी आंखों के सामने हुआ है। क्या बोल रहे हो तुम रणबीर? कब से चल रहा है ये सब? क्या कब से चल रहा है? तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या बोल रहे हो तुम ये रणबीर? तुम क्यों जा रही हो यार? रुको, शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए क्योंकि आज इनकी असलियत सबके सामने आएगी। तुम यही रहो। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी बीवी तेरे सामने खड़ी है, कुछ भी बोले जाएगा क्या? थोड़ी शर्म तो कर। रणबीर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? किसने डाली तुम्हारे दिमाग में इतनी घटिया बात? बस भी करो प्राची, कहीं तो रुक जाओ। पूरी दुनिया में तुम्हें मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए। रिया, क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्यों करूंगी ऐसा? किससे मिल के आए तुम लोग? क्या चल रहा है दिमाग में तुम्हारे? हैरान क्यों रहे तू? जो तुम दोनों के दिल में था आज वो मेरे दिमाग में। जब सच ने अपनी जगह बदल ली तो झूठ इतना परेशान क्यों हो रहा है? बस करो प्राची, बस करो। एक बात बताओ प्राची, तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि सिद्धार्थ मेरा पति है? अरे उसको अपने पति का ख्याल नहीं आया, तुम्हारे पति का ख्याल क्या आएगा? रणबीर, मैं कब से तुम्हें अरे रणबीर, मैं रिया को घर जाकर समझाता हूँ, बट तू मेरी बात समझ भाई। तेरे कान भर दिए किसी ने? मैं और प्राची यहाँ सिर्फ मजे करने आए थे। रणबीर, ऐसी बातें करे, शर्म नहीं आ रही? तुम्हें शर्म आई? ये सब करने से पहले जब तुम्हें शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने से पहले कुछ शर्म आएगी। आई शर्म तुम्हें? रणबीर क्या कर रहा है? छोड़, भी से मत बोल। अगर तुम एक शब्द और बोला ना सेंट, तो जो गुस्सा मेरा प्राची के लिए वो सब तुझ पे निकल जाएगा। सो शट अप। क्यों किया तुमने? मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी? अगर तुम्हें ये सभी करना था ना प्राची, तो तुम्हें जीते जी मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, मैंने अपने सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्राची, लड़की जब शादी करती है ना तो वो घर छोड़ के आती है। मैंने घर छोड़ा, शादी के बाद घर संभालती है, लेकिन मैंने घर संभाला और तुम्हें काम करने के लिए बोला। मैं प्यार में शादी की सारी रस्में बदलने चला था, पर तुमने तो शादी की सारी रस्में बदल डाली। नहीं रणबीर, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, ये गलत है। तुमने तो शादी के बाद अपना कैरेक्टर बदल दिया प्राची। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे और सिद्ध के साथ, मेरे खुद के भाई के साथ। तो पागल हूँ। प्यार करते थे ना मुझसे, भरोसा करते थे। मैं कब से कह रही हूँ रणबीर, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात छोड़ो, मुझे मुझे टच मत कर। इन्हीं हाथों से तुमने इसको छुआ है ना, अपने ये गंदे हाथ अपने पास रखो, मुझे कभी छूने की कोशिश मत करना। दूर हो मुझसे, तुमने
मेरे प्यार की बेइज्जती करिए। यू हैव इंसल्टेड माय लव। रणबीर मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? क्या सुनूं? तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। एक औरत को पत्नी का दर्जा तब मिलता है जब अपने सारे सगे रिश्तों से बढ़कर वो अपने शादी के रिश्ते को मानती है। लेकिन जब उसका अपना पति उसी रिश्ते पे उंगली उठाए ना, उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। रणबीर, रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? इस रिश्ते के लिए मैंने तुम्हारी मांग में ये कुमकुम बना था, लेकिन तुमने इसी कुमकुम को अपने पैरों की धूल बना दी और उसी को रोंगती 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 तुम सिद्धार्थ से मिलने जाया करती थी। रणबीर, तुम्हें ना शायद पता नहीं है, मैं बता देती हूँ। शादी होती है ना शादी, वो एक जिम्मेदारी का रिश्ता होता है जहाँ पति और पत्नी दोनों बराबरी के जिम्मेदार होते हैं, एक दूसरे के प्रति फर्ज अदा करते हैं। पत्नी का फर्ज होता है पति की जरूरतों को पूरा करना और पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, उसकी इज्जत करना, उसको सम्मान देना। लेकिन जब पति अपनी पत्नी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, उसकी इज्जत को तार तार कर देना, तो उस रिश्ते में कुछ नहीं रहता। जहां सवाल जवाब नहीं, सीधा एक तरफा फैसला सुनाया जाए ना, वो रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाता। मुझसे बिना बात किए बिना सच जाने तुम एक तरफा फैसला नहीं ले सकते, नहीं कह सकते कि मेरा और सिद्धार्थ का अफेयर चल रहा है। नहीं कह सकता मैं, मेरी आंखें नहीं है। आंखें धोखा भी खा सकती है। मेरी आंखें धोखा खाती आई है, 2 साल से धोखा खा रही है मेरी आंखें, क्योंकि तुम्हारा और सिक्का ना चाहे रिश्ता मेरी आंखों के सामने आता रहा, लेकिन मुझे कभी समझ में क्यों नहीं आया। मत गलत कर रही हो रणबीर, जब सच सामने आएगा ना, अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। सच सामने आ चुका है प्राची, और अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम इतना गिर चुकी हो, इतना गिर चुकी हो नीचे कि मैं तुम्हें अगर उठाने की कोशिश भी करूं ना, तब भी मैं तुम्हें अपने बराबर नहीं ला सकता। तुम्हारे ये झूठे आंसू कहीं काम नहीं आएंगे। ये किसी सच की गवाही नहीं दे रहे, मेरे लिए आए ये। ये नहीं आते ना, कलेजा फट जाता मेरा। मन इतना भारी है जिसपे दुनिया में सबसे ज्यादा उसी है, उसी है। मेरे लिए मैं नहीं, मेरे आंसू में। मान लो अपनी गलती, मान लो तुमने गलत किया है, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। एक बार मान लो, अगर तुम मान लोगी शायद मैं नहीं, 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 मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, मुझे तुमसे कोई कोई बात नहीं करनी। लेकिन अगर तुम एक बार शायद नहीं, 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 मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसे में? क्योंकि प्यार करते हो मुझसे। हाँ प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भरोसा नहीं करता हूँ तुम पे। लेकिन अगर तुम कोशिश करोगी तो मैं शायद। नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे समझाने की भी कोशिश। समझाऊंगी भी नहीं, क्योंकि अब तुम्हें कुछ भी समझाना इस रिश्ते के लिए भीख मांगने जैसा होगा। तुमसे माफी मांगना तुम्हारे झूठे इल्जाम को एक्सेप्ट करने जैसा होगा। जो मेरा हक है उसके लिए भीख मांगकर, जो काम मैंने किया नहीं उसके लिए माफी मांगकर ये रिश्ता मिल भी गया ना, तो उसे निभा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा भरोसा टूटा है, आत्मसम्मान नहीं। नहीं करना है भरोसा, मत करो। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, अपने मॉम डैड की तरह बस एक बहाना ढूंढ रहे थे तुम मुझसे अलग होने का। बहाना नहीं मिला, बदनाम कर दिया। मेरे मॉम और डैड को बीच में मत लाओ। मेरी बहन को बीच में लाया तुमने, मैंने कुछ कहा? तुम्हें लगता है तुमने आज बहुत बड़ा सच देख लिया है ना, तो आज एक बहुत बड़ा सच सुन भी लो। नहीं करती तुमसे प्यार। और तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते। तुमने पहले क्यों नहीं बोला मुझे ये सब? किसका इंतजार कर रही थी? इतना घुमा फिरा के तुम्हें बहाना चाहिए था ना मुझसे दूर होने का। पता है क्यों नहीं पहले? जब मैंने कहा मेरी और सिद्ध के बीच में कुछ नहीं है तो नहीं माना तुमने। अब जब कह रही हूँ मेरी और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है तो झट से मान लिया। हाँ मान लिया मैंने, झट से मान लिया मैंने, एक सेकंड में मान लिया, क्योंकि मुझे तुम जैसी बेवफा लड़की के साथ नहीं रहना है।
बेवफा हूँ मैं। तुम सिर्फ बेवफा नहीं हो, तुम बेवफा हो, तुम झूठी हो, तुम जैसी लड़की से मुझे नफरत है, नफरत करता हूं मैं तुम्हारी शक्ल से। I hate you, Prachi, I hate you. यहां से दूर चली जाओ, निकल जाओ, चली जाओ मेरी जिंदगी से बहुत दूर। बहुत दुख हो रहा है आज, बहुत दुख हो रहा है, मेरा सपना बिखर गया। काश काश हम मिले ही न होते, काश मुझे तुमसे प्यार हुआ ही न होता, काश हमने शादी की ही ना होती। जिस रात तुम मयाशी करने उस होटल में गई थी ना, वो मेरा ही पति है। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया तुमने, तो क्यों ना बोलूं मैं? भैया ये सब झूठ है, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसा तुम कह रही हो ना, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। तुम तो मेरी बहन हो। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी सौतन हो। तुम बहन बनके मेरी लाइफ में जरूर आई हो, देवरानी बनके मेरे साथ रह भी रही हो, लेकिन एक सौतन बनके मुझसे मेरे पति को छीनने की कोशिश कर रही हो। इसलिए अपने आप को कुछ भी बोलो, लेकिन बस मेरी बहन मत बोलना। तुम एक अच्छी बेटी नहीं बन सकी, एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी, और बहन तो कभी अच्छी बनी नहीं थी। इसलिए तुम ये सब मेरे साथ कर रही हो ना, तुमने मुझसे मेरे पति को छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया तुमने। ऐसा मत बोल, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। सगी बहन हो तुम मेरी, बचपन से हम साथ नहीं रह पाए, इस बात का दुख अभी तक है मुझे। तुम्हारे साथ जीना चाहती, बचपन की वो सारी चीजें करना चाहती हूँ जो कभी नहीं कर पाए। तुम्हारे साथ हंसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, दुख बांटना चाहती हूँ, लड़ना भी चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ, पर धोखा नहीं। तुम्हारी तकलीफ मैं कभी सह नहीं सकती, तू मेरी हो, मेरी अपनी हो। योर नाई झूठ बोल रही हूँ, मेरी तकलीफ में ही तुम्हें खुशी मिलती है ना, मैं जब जब रोती हूँ ना तुम्हें खुशी मिलती है ना, मैंने देखा है, स्टार्टिंग से तुम यही चाहती थी। पता है मुझे, जब तुमने देखा कि डैड को तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार है ना, तो तुमने मुझसे मेरे डैड को छीनने की कोशिश की। फिर जब देखा कि मैं अपनी जिंदगी रणबीर में ढूंढ रही हूँ, तो तुमने मुझसे मेरे रणबीर को भी छीन लिया। और उसके बाद सब कुछ भुलाने के बाद जब मैं लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी, तो तुमने मुझसे मेरे सिद्धार्थ को भी छीन लिया। क्यों प्राची, क्यों? और कितना क्यों? जीने की एक वजह नहीं छोड़ी तुमने। एक काम करो ना, मुझे मार के सब कुछ खत्म कर दो ना तुम। रिया तुम क्या बोल रही हो सब? मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। सोच नहीं सकती? तुम ऐसा करोगे? आई एम वेरी श्योर तुम ऐसा ही करोगी, क्योंकि तुम डायन जो बन चुकी हो। डायन भी ना तुमसे बहुत बेटर है, क्योंकि मैंने सुना है कि डायन ना एक घर को बर्बाद करने के बाद सात घर को छोड़ देते, लेकिन तुमने मेरा एक घर नहीं छोड़ा, सब बर्बाद कर दिया तुमने, पति सब बर्बाद कर दिया। क्या कहती थी तुम मुझसे? क्या कहती तुम? मैं तुम्हारी बहन हूँ, है ना, मैं तुम्हारी बहन हूँ, और मुझ में तुम्हारा मायका दिखता है, खुशियाँ दिखती है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माय फॉट ठीक मीठी बातें करती हूँ, लेकिन दिल में इतना जहर है तुम्हारे, यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। दोनों माँ बेटी ना एक जैसी, एक ने मेरा घर बर्बाद किया और तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड का घर बर्बाद किया। रिया हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? तुम्हें पता है तुमने क्या कहा? मेरे साथ वो तुम्हारी भी माँ है, अपनी ही माँ के बारे में ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हो तुम?
उन्हीं के कोख से हम दोनों ने जन्म लिया। एक ही पेड़ की तो अलग परछाई कैसे हो सकती। मेरे बारे में तुमने जो भी कहा मैंने सुन लिया, लेकिन मेरी माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। कोमा में है वो, कोमा में है वो, जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और तुम उनके बारे में। तुम ना अभी गुस्से में हो, तुम्हारे सर पे गुस्सा सवार। जब गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब सोच लेना और फिर बात करना। मम्मी मैं लापरवाह हो सकती हूँ, पर लालची नहीं कि किसी और की खुशियां मुझसे ज्यादा क्यों हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे इस घर की बदनामी हो। इसे और रणबीर को गलत फहमी हुई, सिड और मैं बस। अब तो सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से।